मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे अपने विवादित वीडियो, तस्वीरों और बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। साल 2011 में वो उस समय काफी चर्चा में आई थी जब उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर अपने कपड़े उतारने की बात कही थी। हालांकि जीत के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल इन दिनों ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जारी है। भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला चल रहा है। इस चैंपियनशिप को लेकर खेल प्रेमी काफी उत्साहित भी हैं। वहीं हाल ही में पूनम पांडे मुंबई में आयोजित अपने इवेंट में पहुंची। यहां उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत की। इस दौरान उनके पति सैम बॉम्बे रिपोर्टर ने भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर सवाल किया। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगी? इस सवाल पर पूनम पांडे ने हैरान होते हुए कहा, क्रिकेट चालू है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं फिर से स्ट्रिप होने की बात कहूं? पूनम पांडे की इस बात पर उनके पति सैम बॉम्बे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या मैं स्ट्रिप कर सकता हूं? इस पर पूनम पांडे ने हंसते हुए कहा, तुम स्ट्रिप करना चाहते हो? इंडिया हार जाएगी, मत करना। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पूनम पांडे के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। इससे पहले पूनम पांडे अपने एक डांस वीडियो की वजह से चर्चा में आई थी, जो कि उनके पति सैम बॉम्बे ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।